हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IQ स्प्रिंट। आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है। nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और an क्या होता है, nth टर्म। जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया जाएगा, कोई AP का सीरीज दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि इसका 5th टर्म निकालिए, इसका 6th टर्म निकालिए, तो वहाँ पर n की जगह पर हम लोग 5th लिखेंगे अगर 5th वाला टर्म निकालना है। अगर 6th वाला सब निकालना तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, वैसे ही n के जगह पे वो पुट करते जाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। an इक्वल टू nth टर्म होता है, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू डिफरेंस, और ये फॉर्मूला होता है। और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP और गिवन दिया हुआ है AP इक्वल टू 2, 7 और 12। ठीक है, और इसमें से क्या है, a दिया हुआ है, a इक्वल टू 2 हो गया, और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 मतलब 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। और n किसको बोलेंगे, जो हम लोग को निकालने बोलेगा, 10th टर्म, मतलब n क्या हो गया, वही 10 हो गया। tenth टर्म निकालने बोलेगा तो मतलब n इक्वल टू 10 हो गया। और an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यही है nth टर्म का फॉर्मूला। और यहाँ पे n के जगह पे हम लोग 10 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है, 2, यहाँ से देखें, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n क्या है, 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू a 10th का वैल्यू आ गया 47। थैंक यू।